दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव करीरा शिकारपुर में रहने वाले। अच्छा, क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? 21 तारीख को बेटा दावत खा के आ रहा था और बाजार में गाड़ी पुलिस वालों ने रोक ली, जबरदस्ती उसमें तमंचा रखा और उसे निर्दोष को दोषी बना दिया और चालान काटा, उसका जेल भेज दिया। कहाँ की पुलिस थी? शिकारपुर थाने की पुलिस थी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और बुलंदशहर SSP जी से, जो ईमानदार हैं, इन्हीं की पुलिस इन्हीं को बदनाम कर रही है और जबरदस्ती उसे मुजरिम साबित कर रही है। तो आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हाँ, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और दो सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें दो होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट SSP साहब को प्रेषित की जाएगी और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जांच संपादित की जाएगी। सर, टोटल कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? टोटल जैसा कि मैंने बताया कि थाना शिकारपुर के SHO हैं और कस्बा चौकी इंचार्ज हैं और दो सिपाही हैं और दो जो होमगार्ड हैं, जितने लोग वीडियो में प्रदर्शित हो रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।